ये पंचम स्पेशल थाली है भाई, इसमें देखो ये चावल पुलाव आ गए और इसके साथ ये पापड़ और भाई साहब ये प्लेट रेडी। ये उन्हीं की दुकान है जो यहाँ पे टेबल लगाते थे, है ना? देखा? अरे वाह। और यहाँ पे क्या खाया था आपने? बहुत ज्यादा स्पाइसी है यार, और ये ऊपर चटनी डाली है ना, इसका कमाल है सारा। ये इज इट ट्रू के दिस इज द ओल्डेस्ट बेकरी इन मुंबई? नॉट श्योर, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ओके सोनम, कैसा लग रहा है? स्मेल्स तो गुड, बट आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट होने वाला है। बट जो मैंने कल खाया था ना, ये आइकॉनिक शॉट दिखाऊं, आइकॉनिक इधर देखो, ये डबल डेकर बस साथ में अपना ये आलू के चिप्स है, उनको ऐसे डाल के ये ठीक है। और इधर देखो ये छोटी सी पतिसरी है इनकी, और ये टेबल्स देख के ना मुझे वो पारसी वाइब फील होने लग गई है। और सीढ़ियाँ चढ़ के हम अभी ऊपर जाते हैं क्योंकि ऊपर एसी है। ऐसा भारत मेरी जान के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, 30 शहर, 10,000 किलोमीटर, और भाई साहब इंडिया का बिगेस्ट फूड टूर जो है एक ही बार में अटेम्प्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल भाई आज हमने लिए फर्स्ट ब्रेक इस सीरीज में, आज हमने लिए फर्स्ट ब्रेक भाई साहब मुंबई में, हम जा रहे हैं साउथ बॉम्बे। हम अंधेरी में रुके हैं और यहाँ पे फिलहाल तो मैं ये देख के हैरान हूँ कि भाई एक घंटा लगेगा ये 23 किलोमीटर जाने में। ब्रेक हमने लिया है भाई साहब, आपको तो कंटेंट हम बड़े बड़े दिखाते रहेंगे, क्यों? बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सच कहा ना मैंने। हाँ। मैं झूठ बोलिया ना। अच्छा हमने ऊबर से तो ड्रॉप ले लिया, बट ये वाली देखो डबल डेकर बस जो है नई आई है अभी मुंबई में, ये पिछली बार नहीं थी। जो ओरिजिनल डबल डेकर बसेस थी वो अब नहीं दिख रही हैं, और ये टोटली एसी वाली बस है, और हमें जाना है उस तरफ। सब दुकान तो मुझे यही लग रही है, ये जो पंचम पूरी वाला लग तो यही रहा है, बट इन्होंने तो अपना फ्लेक्स वगैरह सब कुछ हटा दिया, बोर्ड हटा दिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है भाई। अच्छा ये तो सब कुछ बदल ही है, अरे वाह तो एकदम चेंज हो गया जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? एक तो सर बोर्ड कहाँ गया, वो जो आपका बोर्ड है आइकॉनिक है इतना? वो रेनोवेशन में है। अच्छा रेनोवेशन में है, ओके। भाई साहब इनके जो एंसेस्टर्स हैं 200 साल पहले यहाँ पे आए थे मुंबई में चल के, बाय मतलब हम तो जैसे गाड़ी में आए ना, वो चल के आए थे आज से 200 साल पहले, और आगरा से, आप सोचो आगरा से मुंबई वॉकिंग यहाँ पे काम ढूंढने के लिए। और अभी देखो लेगेसी देखो कि हम यहाँ पे आ रहे हैं स्पेशली यहाँ पे पूरी खाने। पंचम थाली ट्राई कीजिए। पंचम थाली, चलिए इस बार हम पंचम थाली ट्राई करते हैं। तो भाई साहब पंचम थाली के लिए पूरियाँ जो है वो फ्राई हो रही हैं। ये तो दो तीन, ये अंदर कुछ डाल रहे हैं? पनीर, पनीर, पनीर। अरे वाह, ये पनीर वाली पूरी है भाई। आमरस, आमरस नहीं। कब होता है? गर्मी में आमरस गर्मी में रहता है। ओहो हो 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 हो, आमरस के साथ। हाँ हाँ हाँ, मसाला पूरी। हाँ आमरस के साथ मसाला पूरी। और ये देखो अभी ये एक एक करके जो है रेडी होनी शुरू हो जाएंगी भाई, जबरदस्त। अब ये देखो इधर जबरदस्त गोल्डन ब्राउन पूड़ियां जो है वो भी बनके तैयार हो रही है, पर हम अपनी थाली लगवाते हैं। सबसे पहले थाली के अंदर प्लास्टिक, और ये 5, 6, 7 कटोरियां। ओ भाई अभी देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। ये गोभी आलू, ये सबसे पहले आ गई जी गोभी, मटर पनीर, ये आ गया मटर पनीर, अरे वाह। ये क्या है? कढ़ी, अरे वाह क्या बात है। ये छोले, ये क्या है? आलू, आलू। और उधर से भाई साहब एक कोई और खीर आ रही है, रायता, बूंदी रायता, रायता और खीर। और भाई ये आपकी जो थाली है रेडी है, ये पंचम स्पेशल थाली है भाई, इसमें देखो ये है गोभी आलू छोले पनीर कढ़ी रायता और साथ में खीर। और भाई पूड़ियां तो जो है वो बैक टू बैक आते ही जा रही हैं, आती जा रही हैं। और भाई साहब ये देखो पूड़ियों की पूरी वैरायटी जो है ये आगे एक प्लेट के अंदर। ये मसाला पूड़ी है जी, ये क्रीम पूड़ी है जी, ये बीट पूड़ी है, अरे वाह, ये सादा पूड़ी है जी, ये पनीर वाली पूड़ी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। पापड़ भी आएगा, पुलाव भी आएगा भाई, अभी थाली रेडी नहीं है, अभी तो आने वाला है सामान। ये चावल पुलाव आ गए और इसके साथ ये पापड़, और भाई साहब ये प्लेट रेडी। ये कितने की है थाली टोटल?
210 रुपए में आपको भाई साहब इतनी सारी आइटम्स और साथ में ये पूड़ियाँ और भाई उसके बाद ये पुलाव एंड पापड़ सब कुछ। भाई साहब स्वाद बटांदरा चेक करो, पंचम पूरी पे हमें मिली है 5 डिफरेंट तरीके की पूड़ियाँ, साथ में पापड़ और पुलाव और भाई ये पनीर और साथ में गोभी और साथ में छोले और साथ में कढ़ी रायता एंड खीर। सबसे पहले शुरू करते हैं छाछ से, क्योंकि इस छाछ को बहुत मिस किया है। आज टेस्ट करने के लिए हमारे सामने बहुत कुछ है और इसमें से शायद ये है मसाला पूरी, तो इसकी बाइट हम किसके साथ लें? ये क्या है? ये आलू है, ये गोभी है, मैं गोभी के साथ लेना चाहता हूँ यार। ये आलू गोभी है ना? हाँ, पूरी की बाइट, अगर आमरस होता ना तो मज़े आ जाते यार। वैसे हियर्स मसाला पूरी के साथ ये मसाले वाली आलू गोभी इतना कमाल टेस्ट कर रही है, और ये पनीर आई पनीर है लहसुन प्याज टमाटर वाला, और जो गोभी है एकदम खड़े मसालों वाली सरसों के तेल में बनी हुई बढ़िया जबरदस्त इस कढ़ी के साथ। भाई देखो, वाह, कढ़ी के साथ एक बाइट जलवा है भाई। पंचम पूरी एब्सोल्युटली बेस्ट, कड़ी इतनी स्वाद है, मसाला पूरी इतनी ज़बरदस्त है, और भाई ये छाछ तो कमाल है। बट आज की ब्रेक जो है ना अभी शुरू हुई है, अभी बहुत खाना है भाई, आज ओवरलोड करना है सारा कुछ। आ जाओ चलते हैं, कैसा लग रहा है सब कुछ? अभी तो खाना स्टार्ट किया है ना, क्यों नहीं? आप बोलोगे हरिया तू कमाल है ना, सही जगह पे लेके आता है। पतिव्रता पत्नी भारतीय नारी हैरी तुसी कमाल हो। और भाई साहब अभी हम जिस शॉप पे आए यहाँ पे ना सोनम आए थे कितने साल पहले, किधर गए कितने साल पहले? अराउंड 4 years back, 4 साल पहले, और अंकल जी जो है ना यहाँ पे टेबल लगाते थे और कहते हैं, आपने क्या कहते हैं बताओ ना? आई एम नॉट श्योर कि वही जगह है कि नहीं है, बिकॉज मार्केट पूरी बदल गई है। अच्छा, पूरी, बट सर से पूछते हैं, पूछना पड़ेगा सर। ये उन्हीं की दुकान है जो यहाँ पे टेबल लगाते थे, है ना? देखा, अरे वाह। और यहाँ पे क्या खाया था आपने? ब्रेड पकौड़ा खाया था, ब्रेड पकौड़े को काट के ऊपर चटनी डाल के प्याज डाल के देती है ना, तो आप वही बना दीजिए सर आज। आपके आपके फादर साहब हैं वो? जी जी। अरे वाह, तो भाई इधर देखो, पहले तो वैरायटी भजिया की, ये मिक्स है शायद, ये दाल का है, ये इधर आलू का है, और इधर ये कौन सा है? रोल है, स्प्रिंग रोल। ये तो ऐसा लग रहा है, अच्छा ये समोसे जैसा लग रहा है। अरे वाह, और ये वड़ा है, और फिर उधर समोसा है, और वही वाला लगाइए जो आप बोल रहे थे। तो ये सोनम का नॉस्टैल्जिया है, और यहाँ पे आज क्योंकि हम ब्रेक ले रहे हैं तो आप मुझे लेके आए हो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सामान आया। लो जी, ये एकदम फ्रेश ब्रेड पकौड़ा आपके लिए आ गया है, क्या बहुत है यार। ओह दी अरोमा, ओए होए होए, भाई साहब क्या महक आ रही है। सर ये हमारे वाले लगा रहे हैं अभी, देखो भाई ये ब्रेड पकोड़े को क्या करते हैं, अभी इसको काट के और ये प्लेट में डाल के इसको अभी मसाला वसाला कुछ लगाएंगे इस पे, और ये आई चटनी। अच्छा ऐसे ही बनाया था सेम, ये इमली की चटनी है और साथ में ये सूखा चटनी, ये सूखा चटनी है ना? अरे हरी मिर्च इधर से भाई, आप भी पूरा नॉस्टैल्जिया 100% कंप्लीट करोगे, है ना? खा के बताओ वैसे टेस्ट है। ऐसा ही प्रेजेंटेशन थी। सर ये क्या लोकेशन है अपनी? बाजार गेट। बाजार गेट, और दुकान का नाम? शिव कृपा स्नैक्स एंड जूस। ये मैंने देखा था, लकड़ का टेबल था। क्या बात, जब हम आए थे है ना, लकड़ का टेबल था ना, अंकल कह रहे। क्या बात है, खा के बताओ यार, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है यार। वही टेस्ट है, यादें ताजा हो गई। रिचा को मिस कर रहे हो? बहुत ज्यादा। ओके okay, मैं भी ट्राई करूं। आलू की फिलिंग है ना, वही है जो वड़ा पाव में होती है। ओह मैं ट्राई करूं? या, यू विल लव इट। इसके साथ मिर्च ऐसे लगा लूं ऐसे, है ना? कड़वी नहीं है। ये देखो भाई इधर से, भाई साहब खीर से भाई, आप कह रहे हो मिर्च कड़वी नहीं है? बहुत ज्यादा स्पाइसी है यार, और ये ऊपर चटनी डाली है ना, इसका कमाल है सारा ये। ओहो क्या टेस्ट है, और कड़ी पत्ते का भी टेस्ट आ रहा है साथ में। मेरा नॉस्टैल्जिया वहाँ तक था, आपका नॉस्टैल्जिया यहाँ तक हो गया। हैप्पी डांस, अच्छा लग रहा है, नहीं वो प्रॉपर करके दिखाओ ना, हैप्पी डांस। अच्छा।
लाओ लाओ। ये वो चीज है कि जो आपने बहुत साल पहले खाई हो और आप देख रहे हो टेबल्स उनकी शॉप हो गई और टेस्ट वही है। अरे वाह, चलो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड यू कि नॉस्टैल्जिया पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। सुनो मैं इतना तेज क्यों भाग रहे हो यार, जितना हमने खाया पंचम पूरी पे सारा तो इधर ही कैलोरीज बन हो जाएंगी। कहाँ लेके जा रहे हो? लेट हो रहे हैं। चलो चलो चलो, कहाँ जाना है? चलो वो डुग डुग इतने भी है। क्या है? क्या पहले क्या पॉपुलर है सर आपका? बन मस्का मावा खिलाइए सर। बेकरी की वाइब चेक करो यार अंदर। इज इट ट्रू कि दिस इज द ओल्डेस्ट बेकरी इन मुंबई? नॉट श्योर, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ओके, उधर देखो, ही पैक्स अ पंच विद हिज पाव्स। वो देखो, और भाई इधर वाइब चेक करो यार, क्या बात है, बहुत अच्छा। नो इट्स नॉट यू, दिस ऊपर याजदानी रेस्टोरेंट लिखा है। एंड इधर है जी ब्रेड, तो मुझे अब दिखिए। ओ वाह, अच्छा बन मस्का मिलेगा। मैं हमको दो बन मस्का स्टार्टिंग में। ओके, चाय नहीं है ना? हाँ, तो बस बन मस्का दो। बन मस्का, ये मावा केक है, ये बन मस्का, ये मावा केक है, बन मस्का है, और इसमें मक्खन आप वाइट लगाते हैं। अच्छा, बट अमूल बटर। और इधर देखो भाई, मतलब अंदर तो पूरा एक्सप्लोर करने वाला, एक तरह से म्यूजियम ही है यार ये तो। क्या बात है, मेरे ख्याल से इनकी खुद की फ्रेशली बेक्ड सारी ब्रेड्स हैं। दे आर हैविंग फॉर्चून कुकीज वहां पे। ओ वाओ, स्पाइसी, बहुत सही यार ये तो। एक तरह से मतलब बेकर्स के लिए म्यूजियम है ये। क्या वाइब है यार। वो एक और बन मस्का लग रहा है, तो आपको शॉट ही दिखा देते हैं। पहले पहले मैं चुप हो जाता हूँ। वाह, ये एड्रेस क्या है? ये यजदानी बेकरी, ताऊजी पटेल एस्टेट। ताऊजी पटेल एस्टेट, ओके। फाउंटेन, फाउंटेन बोलते हैं, ओके, फेमस फॉर फाउंटेन, सही है। और इधर यार कुछ जर्मन में भी लिखा हुआ है। क्या बात है, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। सी द रस जो हम खाते हैं, रस भी है, सो थिन। लोग जैसे ब्रेकफास्ट लेने आते होंगे फ्रेशली बेक ब्रेड। हाँ, अब कंपनीज हाँ, आ गई हैं, पहले तो ऐसे ये सारा जितना हमने पंचम पूरी पे खाया ना, ये देखो सारा बाहर आ गया भाई, ये सारा। चलो अभी ट्राई करते हैं। मैं दिस इज बेसिकली आई थिंक वो खोया होता है ना पंजाब, खोया का केक है। मावा, मावा है क्या? मावा केक और है सर, मावा केक। तो यू ट्राई दिस ना। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब टर्न बाय टर्न हो जाएगा ना। एक मावा केक और दे दीजिए, इसमें एग रहता है, अंडा रहता है। तो मुझे एक और दे दो पार्सल करके। तो ये है जी बन मस्का। एंड अच्छा, आप दबा के ऐसे प्रेस करके खाओगे? हाँ यार, देखो इतनी गर्मी है, जो हमें देख रहे होंगे ना वो तो स्वेटर वगैरह डाल के बैठे होंगे, और हम तो यहाँ पे शर्ट्स में भी गर्मी में हम घूम रहे हैं, सही है। और ये मैं पहले ये ट्राई करता हूँ। अच्छा, पहले तो बन मस्का, क्योंकि क्या नाम है, याजदानी, याजदानी बेकरी का बन मस्का। सुना है कि बहुत ज्यादा अच्छा है, हमने अभी सुना है। हियर्स अ बाइट। इसमें जो टूटी फ्रूटी है ना, वो डिफरेंट फ्लेवर है, और बटर का जो सॉल्ट फ्लेवर, चीयर्स बाय, बटर का जो सॉल्टी फ्लेवर है वो ऑलमोस्ट गायब हो गया, बिकॉज द ब्रेड इज सो सॉफ्ट, तो सारा मक्खन अब्सॉर्ब कर लेता है यार। काका चाय भी होगा? चाय आ बाहर से बाजू में। सो सॉफ्ट। मावा के इकट्ठे ट्राई करते हैं कैसे। मज़ेदार है। अगर आप यहाँ पे आते हो ये दोनों चीज़ें ट्राई करना, काका ने हमें बोला है तो हमने ये ट्राई करा है। अगर कुछ और रेकमेंडेशंस हैं तो कमेंट करके बताओ, हम वो ट्राई करेंगे। प्लीज में अभी नेक्स्ट क्या है? मेरी लिस्ट में एक और है, मैं आपको अपनी लिस्ट में दिखाता हूँ। मेरी जो लिस्ट है ना बहुत ज्यादा एक्सक्विजिट है, बहुत लंबी है, 250-300 जगह उसमें। पंचम पूरी, सरदार पाव भाजी और आराम वड़ा पाव, इतनी लंबी लिस्ट है मेरी। आराम वड़ा पाव ढूंढना। आगे 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 700 ये चलते हैं।
चलो अगर कोई मुझे बोले ना पीछे पहाड़ है और ये शिमला है तो मैं मान जाऊंगा, लिटरली इतनी सही वाइब है भाई साहब। हमें लग रहा था कि वो फोटोज में जो लग रही है वो ऐसी है और एक्चुअल में ऐसी है यार, ये देखो सेम वाइब, क्या बात है। और बच्चों ने स्केच किया हुआ है, वो बढ़िया है यार। और ये वाइब है पूरे एरिया की। और हम आगे चलते किधर, इस लेफ्ट या राइट? स्ट्रेट तो भाई इसी में घुसेंगे। हाँ चलो फिर, फाइनली भाई साहब ये मिल गया है हमारा आराम बड़ा पाव। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ढूंढ ढूंढ के आए और बाद में पता चला एकदम सामने था। हाँ हमने काफी सड़कें क्रॉस करी, पता किया कि बाकी भाई सड़क क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं थी। पीछे वाइब चेक करो यार, पीछे माहौल है, एक अलग ही माहौल है यार। ये आमची मुंबई और इधर हम जाने वाले हैं वड़ा पाव ऑर्डर करने। सब कैश? बटर बिन वड़ा पाव, बटर ग्रिल वड़ा पाव, प्लेन वाला कहाँ है? अच्छा वो रहा वड़ा पाव, सिंगल वड़ा पाव। ये भाई इधर 25 रुपए वाला हम 2 लेंगे। ये देखो इधर वड़ा पाव जो है वो रेडी हो रहा है। और इधर ये चूरा भी है, इधर बड़ा है, ये तो मुझे लग रहा है बटाटा का पकौड़ा है। और इधर है भाई वड़ा पाव, बैक टू बैक रेडी हो रहे हैं, जबरदस्त भाई बैक टू बैक ऑर्डर्स। और इस टाइम पे क्योंकि ऑफिस खत्म हुआ है ना लोगों का, सर 2 वड़ा पाव प्लेन, सिंपल वड़ा पाव, थैंक यू। तो अभी ऑर्डर देते हैं, इधर मक्खन दिख रहा है भाई साहब। इसका जो प्राइस है ये है वड़ा पाव 23 रुपीज़ एंड 81 पैसे, बाकी GST है भाई। सर 2 सिंपल है, हवा अच्छी चल रही है नहीं तो बहुत गर्मी है यार। ये देखो भाई क्या जबरदस्त बटर बटर सब लगा के और इसके साथ चटनी, देखते कहाँ से आएगी गोरी, और साथ में हरी चटनी और ये आपका वड़ा, क्या बात है। रेडी सर 2? हाँ जी भाई, चटनी लगा के और ये आ गया सूखा मसाला और साथ में वड़ा और भाई ये रेडी। हाँ थैंक यू, थैंक यू सोनम। कैसा लग रहा है? स्मेल्स गुड, स्मेल्स तो गुड बट आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट होने वाला है। बट जो मैंने कल खाया था ना उसको ये बीट नहीं कर सकता। बाकी ट्राई करते हैं, करो। हाँ हाँ फिर मैं फ्री हो जाऊंगा ना। मिर्ची 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 आपने खाया पहले, कैसा है? गुड है। इसमें इन्होंने इमली वाली चटनी नहीं डाली, बस वो मुझे एक दिक्कत लग रही है क्योंकि जो मैंने कल खाया था ना उसमें इमली वाली चटनी थी। ओ मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड आफ्टर ऑफिस वाला वड़ा पाव ना, 2 वड़ा पाव साथ में पानी की बोतल और आपका डिनर डन। भाई साहब हम भी ट्राई करते हैं ये इधर। पहले सोनम ने मुझे मिर्ची खिला दी थी, अब मैं जो मिर्ची इधर साइड में ऐसे रख के, और ये देखो भाई ये आइकॉनिक शॉट दिखाऊं, आइकॉनिक इधर देखो ये डबल डेकर बस साथ में अपना CST है शायद और इसके साथ ये वड़ा पाव। भाई साहब क्यों से भाई बड़ा बहुत गर्म है भाई। अगर मैं अपनी मतलब जो मेरा बैकग्राउंड है उसके हिसाब से समझाऊं तो ये घर का वो जो आलू वाला पराठा होता है ना ये वो है, जो हमने अशोक वड़ा पाव खाया था वो आप बोल लो कि ढाबे का आलू पराठा, थोड़ा फैंसी थोड़ा स्पेशल, उसमें चटनी एक्स्ट्रा है और ये सब है। ये घर का सादा आलू का पराठा ये उसके इक्विवेलेंट है, सिंपल टेस्ट है, बड़े में बहुत ज़्यादा स्पाइस है और गर्मा गर्म है और भाई साहब साथ में हरी मिर्च और सूखा चटनी कमाल है। ये रोज़ का वड़ा पाव है, आराम का वड़ा पाव है, वो जो था वो वीकेंड वाला वड़ा पाव है ये बोल सकते हैं। क्लासिक सिंपल, कुछ फैंसी करने की जरूरत नहीं है, बस पाव में वड़ा डाला और दे दिया विद हरी मिर्ची। हाँ क्लासिक, दिस इज आमची मुंबई, सॉरी दिस इज आमची मुंबई। डेडिकेशन चेक करो, सड़क के इस पार से उस पार 3 बार कर दिया सिर्फ वो वड़ा पाव ढूंढने के लिए आराम वाला। हमारा आराम तो भाई साहब चला गया पर मजा आया, अच्छा था। अभी चलते हैं, भाई साहब फाइनली तकरीबन 2 किलोमीटर चल के
हम पहुंच गए हैं जिमी बॉय आज, क्योंकि ब्रिटानिया और कयानी जो है ना वो बंद हो चुके हैं, हम लेट हो गए थोड़ा आते आते, हमारा जो चिल मोड था थोड़ा फन मोड हो गया, तो अभी हम आ गए फिर जिमी बॉय पे और आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया पारसी खाना। आ जाओ, आओ जी आओ जिमी बॉय रेस्टोरेंट, चलो जी। कुछ ऐसी सी वाइब है जिमी बॉय के अंदर, और इधर देखो ये छोटी सी पतिसरी है इनकी, और ये टेबल्स देख के ना मुझे वो पारसी वाइब फील होने लग गई है, और सीढ़ियाँ चढ़ के हम अभी ऊपर जाते हैं क्योंकि ऊपर एसी है। ओह इट्स मच बेटर हियर, है ना। तो भाई साहब कुछ ऐसा सा यहाँ का मेन्यू है, हमने ऑर्डर करी एक तो ये जर्दालू सली बोटी, आपने रास्पबेरी सोडा ऑर्डर किया पलौंजीज, और उसके बाद हमने ऑर्डर करी है ये सली बोटी, और इसके साथ मैंने ऑर्डर किया एक और कुछ ऑर्डर किया ना, हाँ पाओ पाओ, एंड उसके साथ हमने कॉफी। भाई साहब एक तो लाते आई है, लाते के ऊपर हार्ट है, पता है किस लिए, इसके लिए पलौंजीज के लिए, ट्राई करो टेस्ट टेस्ट। अब याद आया, अभी भी नहीं याद आई, भैया सोडा बॉटल ओपनर वाला पे जब हमने वो जब हम सोडा बॉटल ओपनर वाला गए थे वहाँ पे, पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद आ रहा, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। ये तो जब मैंने पहली बार पी थी ना, मैं सोच रहा था भाई ये वहाँ क्यों नहीं है, ओह ये पता कैसी है, पॉपिंस याद है पॉपिंस, हाँ भाई ये पॉपिंस का फ्लेवर है, पॉपिंस को पानी में डाल दो मिक्स कर दो अच्छी तरह, और उसके साथ फिज। लो जी ये आ गई बोटी, इसमें ये साथ में सली एंड साथ में पाव, और भाई ये ना इसका जो मज़ा है ना ऐसे है, ये आलू के चिप्स हैं उनको ऐसे डाल के ये, ठीक है ओहो ठीक है, एंड फिर इसको पाव को यहाँ से तोड़ के एक पाव को तोड़ के, एंड इधर से ये अभी बहुत गर्म है यार वो भाई, मटन का जो पीस है ना वो आ जाए तो और मज़ा आ जाए, नेक्स्ट बाइट में लेते हैं ऐसा पारसी सली बोटी, हियर्स अ बाइट। टमाटर अब ये एक ऐसी अलग मटन की फ्लेवर की डिश है जिसमें आपको खास मिलेगी हल्की सी, और टमाटर की खटास है साथ में, और ये देखो कितना सॉफ्ट मीट है, ये ऐसे हाथ लगाया और लिटरली टूटने वाला है, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, ये देखो वाह एकदम ज़बरदस्त यार, और ये ऐसा करते हैं ना एक प्रॉपर बाइट बनाते हैं, रुको ये ऊपर से ग्रेवी है ना, ये ग्रेवी आई ऊपर से, और भाई साहब इधर से ये आए आलू, ये चिप्स है ना, ये चिप्स के साथ ये इधर से हम भाई साहब ये पाव की एक बाइट, एंड इसको अब पूरा अच्छे से ओहो हियर्स अ बाइट, एकदम जबरदस्त मीठी फ्लेवर है, और साथ में टमाटर और हल्की सी मिठास है किसी चीज की, टमाटर का फ्लेवर बहुत जबरदस्त है, कमाल, मटन एकदम टेंडर, पहले दो ही कमरे लगे थे, अच्छा स्टार्टिंग में है एंडिंग में, अच्छा अभी बीच में चार पांच जगह पर लगा, या फिर रेसिंग वगैरह होनी शुरू हो गई थी ना रात को, हाँ